हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनु और आज जो है मैं आई हुई हूँ गिफ्ट खरीदने के लिए, वो भी जगत फॉर्म में एक ज्वेलरी की शॉप पे। और यहाँ पे सिंधु सोच रही है कि यार कैसे चोरी करूँ, नज़र भिड़ाई हुई, लेकिन क्या करे बेचारी। शॉपिंग हो गई है ज्वेलरी की, मतलब ज्वेलरी का छोटा सा लेना था और अभी हम लोग आ गए ग्रॉसरी स्टोर में। और सिंधु ले रही है मैगी, इसको मैगी बहुत ज़्यादा खाना होता है। ज्ञान थकान लग रहा है। शायद कहीं पड़ा हो। कितना लोग यार लेंगे? आप जब तक ले रहेंगे खाएंगे। एक प्लेट ले लो, एक प्लेट ले लो, जा रहे पार्ले जी। अरे हाँ, तुम ले लो भैया, बहुत दिन से बोल रही हो। कौन सा पेस्ट लो? मैं ये करती हूँ, रेड वाला। ये वाला ना, ये ले लो, मुझे सही लगता है। ये ले लो। कौन सा पापड़ लीजिए? लिजार्ड पता, एक दिन मेरे को भेजी की लिजार्ड पापड़। ये कौन सा पापड़ है? हाँ अच्छा तो लगता है। ये कितने नमक रहता है कैसे? मेरे को नहीं अच्छा लगता ये, पता है बेकार लगता है, बस नमक डला रहता है। नमक रहता है हाँ, पर अच्छा नहीं, पर वैसा अच्छा नहीं लगता, बहुत बेकार लगता है, सूना सूना सा। ये सब नमकीन बल्कि ठीक है, कौन खाएगा? रोशनी। चलो खरीदेंगे। सही है यार, दूसरों को क्यों ही खिलाना है? रोशनी को तो बिल्कुल ही नहीं खिलाएंगे। जाने दो यार, रोशनी तो दोस्त है ना तुम्हारी। रोशनी तो अब मेरी चली जाएगी। अभी मैं ले रही हूँ पैकिंग पेपर, क्योंकि जो गिफ्ट हमने ख़रीदा है उसको रैप करने के लिए यार पैकिंग पेपर तो होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इसलिए पैकिंग पेपर ले लिया। यार मैं सोच रही हूँ अंकल के लिए ना कुछ ऐसे पेन वगैरह ले लूँ। क्या लूँ? क्या ये लीजिए अंकल, टीचर है ना। ये भी सीढ़ी पड़ेंगे क्या? तो फाइनली हमारा जो काम था वो कम्प्लीट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बाकी है, वो है अंकल की। तो अंकल के लिए हम लोग छोटा सा कुछ पेन ले लेंगे, मे बी सेरिडॉन तो उधर ही होगा ना। क्या की चिड़ा के लाई हो? नहीं। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने कॉलेज, और हम आपको बता दें कि हमने कुछ कुछ शॉपिंग करी है खाने पीने की, और हमारी जो वार्डन मैम है उनके लिए हमने चॉकलेट भी लिया है, क्योंकि मैम का कहना था कि मिठाई तो नहीं चाहिए, छोटा सा टॉफी चाहिए उनको, मतलब क्योंकि हमारा प्लेसमेंट हुआ था मेरा और ज्ञान का और सेम जगह पे, तो हमने सोचा कि चलो चॉकलेट ले लेते हैं, टॉफ़ी तो सही नहीं रहेगा। ओके तो नो गाइस, गाइस ये क्या पहनी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ तो बोलते हैं यार, नहीं नहीं सुपर मारियो ये। तो गाइस ये सुपर मारियो बन चुकी है और अब ये कूदेगी छलांग लगाएगी। ऐड कर लेना अपना, ठीक है? हाँ भाई, वो पैकिंग यहीं पे भी कर लेंगे ना। मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी कि मैंने किस टाइप का रिंग लिया है, कैसा लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा जब अगर मैं जाती हूँ तो। वैसे तो जाऊंगी मोस्ट प्रॉब्ली, तो देखो आए, जल्दी से आओ भाई, ऑफिस भी चलना है। तो ये है दो चॉकलेट, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा हॉस्टल। सो गाइज फाइनली मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और मैंने मैम को भी दे दिया चॉकलेट। तो मैम का कहना था कि मैं सिर्फ ज्ञान का लूंगी, तुम्हारा नहीं लूंगी ये, क्योंकि तुम बदमाश हो गई हो। अब ये सारा सामान है जो कि हमने खरीदा है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिंग है ये रिंग आंटी के लिए, और मैं अभी ओपन करके इसे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखना कि ये कैसा है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा है। और अंकल के लिए फिर हमने सोचा कि यार अब मैनेज करना है, क्योंकि अंकल और आंटी दोनों की एनिवर्सरी है, तो अंकल के लिए एक छोटा सा डायरी और एक छोटा सा लिया है हमने पेन, प्यारा सा पेन है, तो ये अंकल के लिए और ये आंटी के लिए, तो ये आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो अब मैं इसको जल्दी से रैप कर लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ कंपनी, और मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं सुबह से इधर उधर कर रही हूँ, मेरा काम भी हो चुका है, तो मैंने सोचा कि यार ऑफिस भी कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते थे बट नहीं किया, क्योंकि ऑफिस जाना मुझे ज़्यादा सही लगता है। और अभी मैं वेट कर रही हूँ शिवांगी का, क्योंकि उसका स्टॉप मेरे बाद आता है, तो बस वो भी आएगी फिर हम जाएंगे। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं अपनी कंपनी में, और अभी एक ही बज रहा है, डेढ़ घंटे आधे घंटे का टाइम है, तो हम लोग 1:30 पर स्टार्ट करेंगे अपना काम। अभी हम लोग मस्ती कर रहे हैं क्योंकि हमारी कैब पहले आ गई थी, और ज्ञान भी हमारे केबिन में आ चुका है, शिवांगी भी आ चुकी है, शिवांगी का केबिन जस्ट सामने ही है ना। और पूरा दिमाग खराब कर दिया,
ये क्या था? ये क्या था भाई? परफ्यूम की वजह से? ओ अब बहुत हमको दिक्कत हो रही है। सो गाइज अब काम स्टार्ट करती है। देखो मैंने कल यहाँ पे कचरा फैलाया रखा है, यहाँ पे कल खा के ऐसी छोड़ के चली गई थी। मैं सोची यार जिसका भी होगा वो आएगा तुमको डांटेगा। चलो क्यों कोई मेरा स्क्रीन शॉट लेगा तो क्या? गाइस आज फ्राइडे है और मोस्टली क्या होता है कि लोग फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, इसलिए ऐसा लग रहा है सो के उठ के आ गई थी। शर्ट मेरी यार एक रूटीन पता है क्या होती है तुम बता? एक थी मैं कोई रूटीन बस का सेकंड पर थोड़ी लॉक कर रही हो क्या? बताइए अपनी कहानी, दुख भरी कहानी बताइए। चिल्ला चिल्ला के बड़ा कहने पर घर से एक शर्ट लिया, खरीदा महंगी सी, और उसको एक लड़का था मेरा, बोला कि कॉलेज पहन के जाना, दे दे एक दिन के लिए, अर्जेंट है। हम उसको दे दिए, सर लेके पूरे स्केच साइन करवा। अच्छा लास्ट देता है ना, वो लिखते हैं कि कैसा रहा है एक्सपीरियंस। अच्छा आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी शुभम, मेरा ये प्रश्न है कि कल जो आपको टास्क मिला था क्या हुआ? आपका काम कंप्लीट हुआ या नहीं? मैं दो बार टास्क कर लिया, एक बार छोड़ो डबल। अच्छा दो बार हो गया, तब तो आप बहुत महान आदमी है भाई, हम ही लोग रो रहे हैं यार। यहाँ पे बस मैं और शिवांगी ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता और रोते रहते हैं पूरे टाइम, यार नहीं हुआ। मैं नहीं रो रहा हूँ तो इसका मतलब कि मेरा तो आसानी से चलता है। मेरा रोना सिर्फ रवि पकड़ सकता है और कोई नहीं। मैं रोना है तो साक्षी नहीं बन रहा है इसके रोने का, कोई तो गवाह बने तेरे रोने का। दर्द भरा दिल में इतना की रोने को जी करता। मैं रो नहीं रहा हूँ, सबने मुझे मारा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। स्टेटस और कह रहा है मेरे को कबीर सिंह 2 मिलने वाला है, इतना वाहियात लग रहा है। बंद करेगी अपना कंपनी, माहौल रहता है। चुप रह तू, अभी जाके डायरेक्टर सर को बता दूंगी, समझा? समझा तू? पहले मेरी ओ क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि तेरे को टास्क दिया उसने कंप्लीट नहीं किया मेरा। हां तो क्या मेरे को आनी रहा, तुम्हें क्या करूं, मेरी क्या गलती है? सब तेरी गलती, कुछ नहीं हो रहा। वो काहे गई तुम अपनी गलती करवाने वहां? अरे तो हो जाएगा ना कोई हेल्प। गाइस मेरा नाम शुभम है, मैं थोड़ा सा पागल हूँ, मेरे दिमाग इधर से उधर चला गया है, इसीलिए मैं ऐसी हरकत करता रहता हूँ। पूरे टाइम मैं ऑफिस में घूमता हूँ और मैं कोई काम नहीं करता हूँ। अब से मैं पढ़ूंगा। कर लेना इसका एक बार फोटो लेना। एक बार अरे बस एक बार हाँ दिखाना। बिल्कुल सही, रियल फेस आ रहा है इसमें। यही मुंह बनाती है तुम्हारे बंदे। मैं ऐसे ही मुंह बनाती रहती हूँ ऑल टाइम। गाइस देखो मेरे हाथ कितने सॉफ्ट और मुलायम, सॉफ्ट और मुलायम देखिए। तो जैसा कि शिवांगी की रूममेट्स, उसकी झगड़ा मतलब उसका लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो अभी हम लोग फेक कॉल कर रहे हैं उसके पास, ये देखने के लिए उसका क्या रिएक्शन होता है। और ये बन गया कि हम लोग लैंडलॉर्ड है, तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। हेलो, हाँ हम मोहन बोल रहे हैं, बताओ क्या प्रॉब्लम? कॉल किया था क्या? कौन? लैंडलॉर्ड। हाँ तो मोहन अंकल को फोन किया था ना मैंने। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ। अब वो नहीं बोल रहा, उनकी आवाज मुझे पता है। तो उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि रात तक वो आएंगे। अब बताओ दिक्कत क्या है आपको, पहले ही तो बताओ। आखिरी दिक्कत ये हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल की दिक्कत हो रही है और मेरे रूममेट की दिक्कत हो रही है। ओके ठीक है, फिर रूममेट से क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब वो मैंने उनको सब कुछ बता रखा है, तो फिर अभी एक्चुअली ऑफिस में हूँ, तो वो जब आएंगे आप मेरे को एक बार बता देना बस। ओके ठीक है ठीक है, फिर देखते हैं। सही यार तूने तो उसका काट दिया। अब वो आएगी तो उसको बुला, उसको बुलाएंगे कॉल करके। हाँ ब्लॉक के लिए नहीं बुलाया है मोहन जी ने भी तुझे कॉल किया था क्या? तुझे कैसे पता? मेरे को भी आया था। मुझे लग रहा था कि यार उसका भाई मुझे क्यों कॉल करेगा, इतना मैंने प्रैंक कर दिया मुझे पता भी नहीं चला। एक्चुअली मैं वापस आ ही रही थी, मैं तो ब्लॉग में रिकॉर्ड कर रही थी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है।
और ये लड़खड़ा भी रहा है, मैं उनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। अच्छा छोटा भाई, तो ठीक है आप आएंगे ना मेरे को बता दीजिए। इतना वैसे टेंशन में चल रहा है यार। अभी हमारा लंच टाइम और हम लोग आ गए हैं लंच करने के लिए। लंच में बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो अभी आप देखोगे क्या क्या है। और रायता तो मतलब डेली ही मिलता है, पहले दही मिलती थी लेकिन अभी रायता मिलना स्टार्ट हो गया है। और जलेबी तो बहुत ही टेस्टी था, सब ले रहे हैं खाना। मतलब मैं तो पहले लेके आ गई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले लाइन में लगी हुई थी, वन बाई वन लाइन में लग के लेना होता है। सो गाइस अभी हम लोग फ्री हो गए हैं ऑफिस से एंड अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और आज का काम तुम्हारा कंप्लीट हुआ या नहीं बताओ? नहीं हुआ। क्यों? मेरे जैसे तुम्हारा भी हाल है क्या? तो गाइज हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि यार अभी हम लोग फ्रेशर है, बहुत न्यू है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उसी में लगे रहते कि यार कहीं ना कहीं से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर और मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे जुकाम है। और अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।